हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग जाने वाले हैं झिलका पार्क, जो कि है भांगोर बीआईपी रोड का सामने। वो भांगोर बायोडाइवर्सिटी पार्क भी बोल सकते हैं आप लोग। तो मैं अभी जा रहा हूँ, वॉक करके जाऊँगा। आज का मेरा ही चैलेंज है। यहाँ से मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर है। तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा वॉक करूँगा और थोड़ा रनिंग भी करूँगा। देखते हैं हम लोग कितने बजे पहुँचते हैं। अभी टाइम हो रहा है आपका 4:30, एंड देखता हूँ मैं कितना टाइम लगता है वॉक करके और थोड़ा रनिंग करके जाएंगे हम लोग। क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता है, यहाँ पे रनिंग करने का नहीं है। ऑल टाइम यहाँ पे हाईवे में गाड़ी रहता है, बहुत ही बिजी है। तो मैं ज़्यादा तो रनिंग नहीं कर सकता हूँ। सॉल्ट लेक में जो है ना, सॉल्ट लेक में जो रोड वगैरह है वहाँ पे रनिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, साइड साइड में एक बार नीचा है, ऊपर है, ऊंचा है, अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे रनिंग करके। कुछ मज़ा नहीं आता है। अब मॉर्निंग में होगा तो ठीक है, लेकिन ऐसा वाला कुछ रोड होगा तो ठीक है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, हाँ देखते रहिए, थोड़ा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आसपास का सिनेरियो क्या चीज़ है। तो अभी मैं जस्ट क्या है ये जगह का, बाबूघाटी जुड़ा मंदिर के पास हूँ। अभी पहुँचा नहीं अभी तक। और यहाँ पे एक स्कूल है, इसलिए देखिए यहाँ पे पहुँच गया मैं बाबूघाटी जुड़ा मंदिर के आसपास बाईपास के साथ। तो ये फ्लाईओवर जो है ना, ये फ्लाईओवर यहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पे ये एंडिंग होगा वहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन होगा। तो काफ़ी अच्छा है, वेदर भी काफ़ी अच्छा है। इतना भी धूप नहीं है, इवनिंग टाइम है। एंड क्या है आपका, इतना बारिश भी नहीं आएगा शायद। वेदर काफ़ी अच्छा है, 27-28 डिग्री सेल्सियस है कोलकाता में। ये काफ़ी अच्छा वेदर है। तो यहाँ पे देखिए मैं आ चुका हूँ मोटा मोटी जो बाबूघाटी है, बाबूघाटी आ चुका हूँ। और शाम होने वाला है, अभी हो चुका है आपका 4:45 के आसपास हो चुका है। चलो थोड़ा जाते हैं हम लोग। मैं ज़्यादातर वॉकिंग करके जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत रनिंग करने के बाद यहाँ पे नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए ये नाला, ये जो नाला है बहुत ही गंदा है। और यहाँ पे देखिए लोग यहाँ पे बहुत सारा चीज़ सेल करते हैं, सेल कर रहा है। तो ये है कैस्टपुर, मतलब वीआईपी रोड के साथ ही कैस्टपुर में है ये। तो ऑलमोस्ट मैं पहुंच गया है। मैं पहले लेफ्ट साइड से आ रहा था रास्ता का, अभी मैं राइट साइड में आ चुका हूँ। फ्लाई क्या है या साबवे के नीचे से राइट साइड में आ रहा हूँ। और देखिए ऐसा वाला रोड बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ऐसा ठीक है, बेम्बू का पेड़ एक साइड में है लेकिन दो साइड में होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ठीक है, ठीक ठाक है। लेकिन साइड में जो कैनाल गया है उससे बहुत ही बदबू मार रहा था। तो ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ। देखिए आप लोगों को मैं बोला था, मैं जहाँ पर फ्लाईओवर ख़त्म होगा वहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन है। तो डेस्टिनेशन तो नहीं मिला है, ये वाला जो कैनाल है ऐसा ही, जो सामने वाला जो हम लोग डेस्टिनेशन है वहाँ पर ऐसा ही है। तो जस्ट हम वहाँ पे जाएंगे और थोड़ा, लेकिन उसको ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, उसको ये पार्क को बनाया है। और यहाँ पे देखिए बाबूघाटी और एयरपोर्ट का यहाँ पे कितना डिस्टेंस है ये। और शायद यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है। चलो देखते हैं। अभी जस्ट मैं पहुँचने वाला हूँ। तो अभी बज चुका है आपका 5:20 एंड ऑलमोस्ट हमारा डेस्टिनेशन पहुँच चुका है। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, देखते हैं हमारा क्या एक्सपीरियंस रहता है। चलो तो देखिए यहाँ पे चारों तरफ का नज़ारा, ये सब ये काफ़ी अच्छा है। मतलब शाम को तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ऐसा ही मेंटेन करके रखेगा तो पूरा कोलकाता बहुत ही ग्रीन ग्रीन क्लीन क्लीन रहेगा। तो फाइनली मैं हमारा मार्क्स खोल लिया है। चलो थोड़ा टायर्ड भी हूँ मैं। हालांकि मैं ये वीडियो को पहले ऐसे ही रिकॉर्ड किया था, लेकिन बाद में देखा है मैं जो वॉइस, मेरा वॉइस नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ा मैं हेडफोन लगा के बात कर रहा था तो नहीं आया है। तो देखो फाइनली मैंने एंटर कर चुका हूँ ये पार्क में। तो देखिए कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। ऑलमोस्ट बोलेंगे तो एक राउंड में 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगा, इतना बड़ा है।
तो यहाँ पे आप लोग का फूड वगैरह बाहर से कुछ खाना पानी कुछ भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। बहुत ही क्लीन तरीके से मेंटेन किया है वो लोग, और चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड भी है। और देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर्स है, चारों तरफ यहाँ पे फ्लावर्स है, बहुत सारा पौधे हैं, आप लोग को एकदम क्लीन देखने मिलेगा। हालांकि थोड़ा बहुत रास्ता साइड में बाईपास है तो गाड़ी का आवाज़ तो सुनाई देगा, लेकिन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखिए सब लोटस का लोटस फ्लावर है सब। अभी थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन कुछ दिन पहले जब नया नया आया था उस टाइम में तो बहुत अच्छा, अभी थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा लोटस। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। शाम को आएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसका जो बंद हो जाता है शाम को, मतलब 6 और 7 को ऐसे ही मैं देखा था बंद हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा ऐसा सिनेमेटिक शॉट लेने का कोशिश कर रहा था आप लोगों के लिए। देखिए व्यू देखिए जस्ट ऑसम, पीस मिलता है यहाँ पे। कालो जाम, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा हमारा मोबाइल का स्टेबलाइजेशन चेक कर रहा था। अभी मैं रनिंग कर रहा हूँ, रनिंग करके देख रहा हूँ कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है मेरा कैमरा का स्टेबलाइजेशन। हालांकि यस है, फिर भी हम लोग देखते हैं थोड़ा ट्राई करके। चलो अभी बज चुका है 6:20 एंड अभी शाम होने वाला है। बहुत टाइम स्पेंड कर लिया यहाँ पे आके, अभी ये फुहारा वगैरह चालू किया है। अभी चलो अभी घर की तरफ जाते हैं। लोग यहाँ पे वर्कआउट करने के लिए आता है, रनिंग करने के लिए आता है, जॉगिंग के लिए करता है, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे आके। आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है। इससे पहले जो मैं गया था सुभाष सरोवर भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन सुभाष सरोवर इतना अच्छे से मेंटेन नहीं किया है, ये तो बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है। लेकिन इसमें और भी थोड़ा डिस्टेंस होगा तो अच्छा होता, और भी थोड़ा घूमने के लिए होगा तो अच्छा होता। वेदर भी काफ़ी सही है, देखिए कितना मस्त है, वाओ। चलो बाय बाय, और एक दिन और कभी शाम को मिलते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही बस। चलो जाते जाते थोड़ा वीडियो करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से पेंटिंग करके रखा है। देखिए एक एक पेंटिंग जो है कोलकाता का ट्रेडिशन है, बोल सकते हैं हम लोग बंगाली का ट्रेडिशन है। यहाँ पे माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा का बहुत सारा रूप है, सरस्वती है, देखिए गणेश के साथ बहुत सारा आर्टिस्ट यहाँ पे काम किया है। वो लोग को भी सैल्यूट करता हूँ, इतना अच्छे से यहाँ पे पेंटिंग बनाया है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मैं यहाँ पर। आशा करता हूँ कि वो लोग भी अच्छे से मेंटेन करेगा इसको। अभी के लिए तो फ्री है एंट्री, तो बाद में पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत सारा लोग यहाँ पे आके एंजॉय करता है। तो यहाँ पे मैं जस्ट फिश मार्केट दिखा रहा था वीआईपी में आगे, देखिए कि